हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएसी अड्डा में मेरा नाम मुजीब कुमार दास है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्ट होने वाला है क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा देखिएगा लगभग सौ पदों पर जो है सीधी भर्ती के संबंध में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है जिसके संबंध में देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग काफी डिटेल में जो है एक एक पहलू पर चर्चा करने वाले तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ये आपके लिए बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है चलिए दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपके सामने ओपन हो गया यह जारी किया गया है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पे देखिएगा हेडिंग है चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन अब देखिएगा यहाँ पे मुख्य रूप से जो जानकारी दी गई है उसमें मैं डायरेक्ट पहुंचता हूँ वहाँ पे देखिएगा दिनांक 4 सितंबर 2019 में दिए गए निर्देशानुसार एवं जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में दिनांक 22 एक 2022 को लिए गए निर्णय के आधार पर जिला समूह के निम्नांकित जो है सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भरे जाने हेतु पात्र इच्छुक आवेदकों से शासकीय रजिस्टर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से देखिएगा दिनांक आठ दो दो से लेकर अट्ठाईस दो दो संध्या साढ़े बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं यानी कि देखिएगा ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है लास्ट डेट यहाँ पे 28 दो हजार का है तो जल्द से जल्द जो है अपने आवेदन पत्र जो है स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से निम्नांकित एड्रेस में भेज दीजिएगा जल्दी करिएगा इसमें आगे देखिएगा वर्ग विवरण जो है रिक्तियों के उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहला पोस्ट देखिएगा यहाँ पे वार्ड आया क्या है यहाँ पे कुल कुलनागर पदक संख्या बत्तीस है इसके पश्चात देखिएगा पूरा विवरण दिया गया है आगे लास्ट में बात कर देता हूँ शैक्षणिक अर्था की मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए दूसरा देखिएगा वार्ड बाई की कुल मिलाकर पदों की संख्या पैतीस यहाँ पे भी देखिएगा जो शैक्षणिक अर्थ है सेम है यानी कि मान्यता प्राप्त मंडल से आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तीसरा देखिएगा के लिए पे कुल मिलाकर पदों की संख्या तीन है इसके लिए भी देखिएगा शैक्षणिक अर्थ सेम है मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए चौथा देखिएगा स्वीपर का पोस्ट है कुल मिलाकर पदों की संख्या पांच लास्ट में देखिएगा शैक्षिक अर्थात मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए पांचवा देखिएगा धोबी के लिए एक पुष्ट है यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा जो शैक्षणिक अर्था चाहिए वो है मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आगे देखते हैं देखिएगा यहाँ पे पद का नाम है छठवा चौकीदार का कुल मिलाकर पदों की संख्या सात है देखिएगा जो शैक्षणिक चाहिए वो है मानता मंडल से कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए सातवां देखिएगा ओपीडी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे पदक संख्या आठ है इसके लिए भी सेम वही है देखिएगा मानता मंडल से कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए यानी कि शैक्षणिक हड़ता सबका सेम है सिर्फ पदों की संख्या जो है उसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे आगे देखेंगे आवेदन शुल्क मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धमतरी के नाम से केवल डीडी से दे होगा ध्यान रखिएगा डीडी के माध्यम से यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अब इसमें देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे जो शुल्क है सामान्य वर्ग के लिए साढ़े तीन सौ रुपये का है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ढाई सौ रुपए का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे दो सौ रुपये का और दिव्यांग जन निशुल्क है यहाँ पे यानी कि कोई चार्ज पे नहीं करने पड़ेंगे इसमें देखिएगा पहला पॉइंट आवेदन शासकीय डाक या स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किए जाएंगे अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे एवं इसकी ब्रेक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी यानी कि आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन भेजना है दूसरा आवेदन शुल्क केवल डीडी से ही स्वीकार किया जाएगा यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा अन्य कोई माध्यम नहीं है यहाँ पे लास्ट में देखिएगा दोस्तों यहाँ पे पद के संबंध में देखिएगा नियम एवं शर्तें मेंशन है जो कि काफी डिटेल में यहाँ पे दिया गया है मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं अगर इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं देखिएगा दोस्तों इस पीडीएफ के पूरे लास्ट में आएंगे तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी के विज्ञापित पदों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है इसको आपको काफी ध्यानपूर्वक जो है एक बार समझ लेना है और उतना ही ध्यानपूर्वक भरना है और निम्नांकित एड्रेस में जल्द से जल्द भेजिएगा क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं है लास्ट में बता दू देखिएगा अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं